हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिव्यू एंड स्वैचेस रिगार्डिंग दिस माईफाई पैनकेक। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको शो करूँगी कंपैरिजन बिटवीन द ओलिविया पैनकेक एंड माईफाई पैनकेक। माईफाई पैनकेक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो इसमें कॉम्बो डील थी। मैंने 21 नंबर का परचेज़ किया है। तो ओलिविया के पैनकेक हैं वो मेरे पास पहले से हैं और वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे। जो माईफाई के पैनकेक हैं वो मोस्टली पिंक टोन पर आते हैं। अगर आपका फेयर टू मीडियम स्किन टोन है तो आप 21-24 नंबर के पैनकेक ले सकते हैं, और अगर आपको कॉन्टूअर भी करना है तो उसके लिए आप 28 नंबर बाय कर लें। ओलिविया का पैनकेक है वो मेरे पास है 23 नंबर पीच शेड में और 21 नंबर येलो टोन में, और जो माईफाई का 21 नंबर है ये बिल्कुल नेचुरल सा टोन है। ओलिविया एंड माईफाई पैनकेक की प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम होती है, पर ओलिविया का पैनकेक 25 ग्राम होता है जबकि माईफाई का पैनकेक अबाउट 45 ग्राम मिलता है। अगर आपने ओकेजनली पैनकेक अप्लाई करना है तो आप ओलिविया के कोई शेड परचेस कर सकते हैं जो आपको सूट करे, और अगर आपको डेली वेयर के लिए पैनकेक यूज़ करना है तो आप माईफाई यूज़ करें। दोनों ही पैनकेक बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और कवरेज देते हैं। जो ओलिविया का पैनकेक है आप उसे रोज़ नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो वो आपकी स्किन पर काफ़ी हार्श एक्ट करेगा। देख सकते हैं कलर डिफरेंस, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्वैचेस इन पैनकेक के। अभी मैंने अप्लाई किया है 21 नंबर माईफाई पैनकेक। माईफाई के पैनकेक पिंक टोन के लगते हैं, पर जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच कर जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। अभी ये पैची सा लुक दे रहा होगा, पर अगर हम इसे रब ऑफ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा लाइट वेट हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है अपनी स्किन के ऊपर। अभी जो ओलिविया का पैनकेक है ये मेरे पास है पीच टोन में 23 नंबर। ये मुझे लाइट ऑरेंज सा लगा। अगर आपको लगता है कि कोई पैनकेक आपके स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है, आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके फाउंडेशन में मिलाकर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टे बन जाएगी। मीडियम स्किन टोन वालों पर ये पीच टोन भी अच्छा रह जाता है। जो अंडर आई सर्कल्स हैं या नोज़ एंड माउथ के अराउंड ब्लैक शेडी एरिया होते हैं, वहाँ पर हमें पहले येलो टोन का कंसीलर अप्लाई करना पड़ता है, और या फिर आप पैनकेक ही परचेज़ कर लें और उसके साथ आप अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स कवर कर लें। तीनों पैनकेक के स्वैचेस हैं, आप देख सकते हैं इनमें कलर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। पैनकेक है वो तो मस्ट है, सबको ही लेना चाहिए ताकि हमारे फेस पर जो भी डार्क एरियाज होते हैं उनको हम कवर कर सकें। पीची टोन है वो मीडियम स्किन टोन वालों के लिए बेस्ट रहता है, और जो नेचुरल टोन है माईफाई का वो पैनकेक आपको फेयर टू मीडियम स्किन टोन वालों पर बेस्ट सूट करेगा। माईफाई का पैनकेक मैंने अभी परचेज़ किया था, तो मैंने सोचा ओलिविया के साथ आपको कंपैरिजन भी बता दूं कि ओलिविया की यही खासियत है कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टे है और इसीलिए इतना ज़्यादा परचेज़ किया जाता है। जो माईफाई है वो हम डेली यूज़ के लिए इसे परचेज़ कर सकते हैं। इन बात तो यही होती है कि हमारी स्किन टोन पर कौन सा पैनकेक का कलर बेस्ट सूट करता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe, comment and share. Bye-bye.